हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद गाइस मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, और अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ तो 4:41, आप देख सकते हो ये। तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारी बहनों को और सारे भाइयों को। और जब तक मेरा ये व्लॉग मिलेगा तो बहुत लेट हो चुका होगा, और मैं बता दूँ सुबह के लिए टाइम हो रहा है ना, मैं अक्सर स्टूडियो पे ऐसे ही अकेले रह रहा हूँ, रुक रहा हूँ बिना हेमलता सृष्टि के। कोई कोई ऐसा दिन रहा होगा कि जिसमें हेमलता और सृष्टि मेरे साथ रुकी है, उसका रीज़न मैं बता दूँ। रीज़न ये है कि एक तो मेरे पास काम है, दूसरा रीज़न ये है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी इन दिनों, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया था यहाँ भी संभालना वहाँ भी संभालना। क्योंकि जो इतने दिनों से गाइस मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था ना, तो मेरे सर पे एक प्रोजेक्ट का भार था जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बस आज का दिन है और है, आज का दिन इंक्लूड रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन वाले दिन भी मुझे काम करना पड़ेगा, और वो पूरा दिन और पूरी रात। और मैं बता दूँ कल रात से ही मैं लगा हुआ हूँ, मतलब कल गए थे मार्केट वगैरह, जो भी काम वाम थे, थोड़ा बहुत सामान वामान तो लेना ही पड़ता है ना रक्षाबंधन के लिए, वो सारे सामान वान लिया। और उसके बाद फिर भागा वगैरह, फिर यहाँ पर स्टूडियो पे आया, और आने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया। रात भर काम करते करते मुझे सुबह हो चुकी है, और मेरा एनर्जी लेवल आप लोगों को दिख रहा होगा, वो सब है महादेव की ब्लेसिंग्स के कारण। बस उन्हीं की कृपा से मैं बस जिंदा आपके सामने बैठा हूँ, सही सलामत, भगवान ऐसे ही बनाए रखे। अभी मैं चल रहा हूँ घर, सुबह आज है सोमवार भी उसके साथ साथ, तो हेमलता को करनी थी पूजा, जैसे कि साथ में ही पूजा कर रहे हैं, तो मैं सोया नहीं, तो फिर मैं मतलब सोने को तो अभी मैं सुबह सोने ही जा रहा था, फिर मैंने उससे पूछा तो वो उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो साथ में ही पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करके फिर मैं आ जाऊँगा, देखूँगा कब रेस्ट करूँगा कब नहीं, और उसके बाद कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा, क्योंकि दोपहर के बाद ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और जो आर्ट का प्रोजेक्ट वगैरह मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे ओवरऑल सारी चीज़ें वो सब मैं बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं घर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मैं मानता हूँ कि बहुत टाइम के लिए मैं गायब हो गया था बीच में, वो एक होता है ना कि एक लॉन्ग जंप यानी कि एक लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, तो वही था, तो इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए गायब हो गया था। तो वो गायब होना मेरा लाजमी इसलिए था, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या रीज़न रहा सारी चीज़ें। तो चलो अभी चलते हैं घर फटाफट से, और इससे पहले कि 5 बजे, क्योंकि वो भद्रकाल लग जाएगा, तो उससे 5 बजे से पहले पूजा करनी है, वहीं जाके मैं नहाऊंगा। मैं ब्रश व्रश कर चुका हूँ, फ्रेश व्रेश हो चुका हूँ, तो चलो। वही जिंदा रहने वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि है ना, मैं लगातार मुझे जागते हुए मैं सुबह ही सो रहा हूँ, और कुछ कुछ घंटे की नींद ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये जिंदा वर्ड बोला कि मैं जिंदा हूँ भगवान महादेव के ब्लेसिंग की वजह से। और ये जो प्रोजेक्ट था ना, इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, क्या चीज़ें थी और कैसा क्या था। और बाहर देख लो अंधेरा हो रहा है भाई, बिल्कुल एकदम सन्नाटा है बाहर, ऐसे ही रात को आया था और ऐसे ही जा रहा हूँ अंधेरे में, मुझे लग रहा है। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गए हैं, मंदिर आ चुके हैं, और अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ है। शांति कितनी लग रही है मंदिर में आके, और शांत शांत है सब कुछ। भोले बाबा को महादेव को राखी बांधने की तैयारी हो चुकी है देख लो, और भद्रकाल लगने में अभी कितने मिनट, 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है भद्रकाल लगने में, इससे पहले हमारी पूजा हो जाएगी, मतलब ये राखी बांध देगी, फिर उसके बाद हम करेंगे ये चरणामृत से महादेव को स्नान कराएंगे। और इधर राखी बंध रही है, महादेव रक्षा करें आपकी, आपके आपके परिवार की। महादेव को पहले से राखी बांधती है, पहले से ही, अच्छी बात है, बुरे वक्त अच्छे वक्त में भी भूलना नहीं चाहिए। और इनको क्यों बांध रहे हो? भाभी भी लगी मेरी। अच्छा, वैसे हमारा मंदिर है तो हमें सभी भगवान को ही बांधना। हाँ, सारे भगवान को, ठीक है बांधो जल्दी। गाइस तो दोपहर के 1:45 हो रहे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, स्टूडियो चला गया था, वहाँ पे मैंने रेस्ट किया,
और चेंज वेंज करके आ गया। और बताना भाई की शर्ट कैसी लग रही है, लाइट ब्लू कलर की न्यू शर्ट है, प्रिंटेड टेडी, देखो सब छोटे छोटे टेडी बने हुए हैं, दिख रहे होंगे टैडी बने हुए टैडी। तो मैं बता दूं, पता है क्या हुआ, इस बिजी शेड्यूल में मैं रितु रेनु के लिए ले भी नहीं पाया जो चीज़ें मैंने प्लान की थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके लिए सूट वगैरह लेने के लिए। मैंने यही सोचा कि अभी ऑल ऑफ सडन, तो वैसे ये चीज़ें तो होती है उनके लिए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सूट उनके लिए मैंने सोचा था कि वही ले लूँगा, क्योंकि और कुछ मेरी चीज़ समझ में नहीं आई है ना, कुछ और कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। और ये ऐसी चीज़ है कि सूट वगैरह तो उनको पसंद आएंगे आएंगे चॉइस, इसलिए मैं उनकी उन दोनों की भाभी को लेके जा रहा हूँ, उन दोनों की माता श्री को लेके जा रहा हूँ साथ में। तो बस पहुँचने वाला हूँ घर पे, और आज तो समझ लो फास्ट ही हो गया। आज तो बस घर से निकला था चाय बिस्किट लेके, क्योंकि सुबह सुबह कोई दुकान नहीं खुली थी और ब्रेड व्रेड मिला नहीं, तो आज मैंने भैंस के दूध की चाय पी है। वैसे मैं भैंस के दूध की चाय पीता नहीं हूँ, है ना, अर्जेंट में मतलब जब रिक्वायरमेंट होती है तो कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद पी के मैं निकल गया और मैं यहाँ पर आके सो गया। तो 2.5-3 घंटे की मैंने नींद पूरी करी है बस, और इसके बाद फिर मैं उठ के और चेंज वेंज करके मैं आ गया। और बस पहुँच के अब आगे आपको कार्यक्रम दिखाते हैं रक्षाबंधन का, फाइनली रक्षाबंधन पूरा एक साल उसके बाद आने वाला है भाई का बर्थडे। चलो अभी फिलहाल घर पहुँचते हैं और उनके लिए शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं। और गाइज एक चीज़ बता दूँ, कल ही मैं बियर्ड और ट्रिमिंग करा के आया था, मतलब हेयर कट वगैरह करा के आया था, वरना हालत तो मेरी ऐसी हो रही थी बिल्कुल मजनू वाली बाबा वाली, बिल्कुल हालत सुधरवा के आया हूँ, क्योंकि कल बाजार गए थे तो इमलता को भी जाना था पार्लर लगे हाथ, फिर मैंने कहा मैं भी करा लेता हूँ, इसीलिए थोड़ा क्लीन लग रहा हूँ मैं आप लोगों को। गाइज आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए रितु रेनु के लिए। हाँ ये वाला मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला देखो, ये वाला ओपन करना। तो गाइस शॉपिंग हो चुकी है, जो छोटी मोटी शॉपिंग थी, और बस चल दी है घर पे। रितु पहुंच चुकी है, वेट कर रही है, रेनु भी बस पहुंच के जल्दी से राखी बंधवाते पहले, और बस बस हाँ इधर चल रहा है फोटो सेशन नंद भाभियों का, भाभी का काट दिया। ये किट्टू फोटो खराब करती हुई, वाह मैं इसके ऐसे हाथ लगा रही थी, मैं इसलिए कर दिया। ये क्या किया हुआ है, ये बैंड भी लगाया हुआ है हैं, और ये चोटी भी बनाई हुई है, ये क्या है, और ये कली लिया है मम्मी के साथ मार्केट से एयरबैंड, देखो ड्रेस की मैचिंग का आजा। और ये ड्रेस दादी ने दिलाई थी, कहाँ जाऊँ फोटो के लिए, सेल्फी लेने के लिए। तो ये है गाइस रितु राखी लेके आई है, पर इसमें ये राखी मेरी कौन सी है, ये वाली लग रही है मुझे, ये वाली है ना। और किच्चू की कौन सी है, किच्चू की राखी कौन सी है, स्पेशल राखी, ये मेरी राखी है। क्या कर रही है रितु, ये उल्टी वॉच बुक करी हुई है कि किसी ने, क्या ये किसका है, अच्छा ये किसका है, अच्छा ये आपकी क्या बोलेंगे, हमारी तरफ से आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहो, खुश दूध ना पूतो हेलो। कुछ और भी दे दिया करो आशीर्वाद हैं, इसके अलावा तरक्की करें, सामने घूमने के लिए जाएंगे। You know.
अभी तो इसकी बारी है। क्या साल में एक बारी तो आता है। किट्टू सही बांध के बैठी है राखी। किट्टू किट्टू बाद में दीदी से नहीं बनता। कैसे कर रही है? अजीब सा लग रहा है। कौन सी वाली? ड्राई फ्रूट नट्स। यस, रुक जाओ बस। इसको हटाओ पीछे। तरक्की करे, बहुत तरक्की करे और ये आलतू फालतू चीजों से दूर हो जाए। नेक्स्ट में हमें फॉर्च्यूनर गिफ्ट करे। नहीं, वो तो सारे तीनों भाई मिलके भी कर सकते हैं, है ना? 20-25 लाख कितने ज्यादा बड़े थोड़ी ना अमाउंट है ना। नहीं, मैं तो तेरे को BMW भी कर दूंगा, टेंशन मत ले। उसी का तो वेट है भाई। नहीं, मेरे बच्चों को गिफ्ट करी। नहीं, इतना लेट वो टाइम नहीं आएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। फिर मैं ही घुमा लूंगी बच्चे को। आदत तुम्हारे मामा ने क्यों किया बेटा? लाइट में लग गई। वाह, ओहो, चश्मे वाली। वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। ओह माय गॉड। दूसरे दिन तू कुत्ता, मेरा काम नहीं किया तूने। भागने क्या दे देना, अभी अभी लाके दे 100-100 रुपए। जा, 100 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए और 60 रुपए। अरे 100 रुपए। हेलो, तो 100 रुपए। अरे आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, चल ले ले। 50 करोड़ है। 100 रुपए दे मेरे को, इस पे से भी 50 रुपए दे रहे बाबा। ओहो रितु दी, जाओ रितु दी। आप खाली हो गए महंगा। कितने ही निरीक्षा करती हूँ। ओह माय गॉड, मेरा हाथ निकल गया। Ha 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 ha
इतना इमोशनल छोटा था। लड़ाई आपस में चाहे कितनी भी हो, प्यार तो बस प्यार ही है। प्यार तो है ना कि तो, प्यार होता है लड़ाई। तो ये कहाँ से आ गई, तो मेरी बारी थी। मैं ही बोल, मैं तो चलो ठीक है फिर भी बोल दूँ, कोई बाहर का बोल देना तो काट के रख देंगे उसको। नाइस, अच्छी लग रही है राखी, सिंपल सी है, प्यारी लग रही है। फोटो मैं तो अभी देखी, मैं तो कर ले रिकॉर्डिंग लेके करे रिकॉर्डिंग करोगे रिकॉर्डिंग कर रहा ताकि आगे तक याद रहे। फोन पर देख लिया फिर परसों आ जाएगी शाम को ही ले, चैनल पे यूट्यूब पे शाम को ही ले। अरे सारी जिंदगी मैं बांध रही हूं, मुझे आंख में बांध रही है। मैं आंख में बांध रहा हूं चला, हाथ तो तू लगा रहा है, आंख में इग्नोर कर दी सीधा। ये शुगर हो रहा है, देख शुगर हो रहा है, देख जल्दी। कोई ना, पहले तो आ रहा है, एक तो आ रहा है, साल भर का तो आ रहा है। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और अब जाके हमारा खाना पीना हो रहा है, हमारा, मेरा और सिस्टी का। और कड़ी चावल बनाए हैं आज, और सेवैयां, कड़ी चावल और सेवैयां, मीठी सेवैयां। देखो ऋतु बाने मुझे ना ये वाली करी, इसमें अंधेरे में और भी अच्छे ऐसे होता है, पर अपने आप ही कंटिन्यू जल के बंद हो जाती थोड़ी देर। तो गाइस शाम हो चुकी है, 5:30 बज गए हैं और अब लेकर जा रहा हूँ मुतरमा को उसके मायके। मायके जाना तो जरूरी है, हम बचपन में मैं देखता था ना जब मम्मी जाती थी नानी के यहाँ, तो वो चीज़ें अभी ये, अब मैं उन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ कि जैसे पापा लेके जाते थे मम्मी को, तब तो मम्मी को खैर वो बस में लेके जाते थे, मम्मी उस टाइम तो बस का टाइम था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ इतनी कहाँ होती थी हर किसी के पास, और अब तो गाड़ियों में आना जाना होता है। खुशकिस्मत ऐसे लोग जो गाड़ियों में जा रहे हैं आराम से अपना सफ़र को इंजॉय करते हुए। खैर हमारा तो गुड़गांव की गुड़गांव में ही है, तो ऐसा है कि मैं इनको ड्रॉप करते हुए मैं निकलूँगा क्योंकि मुझे करना है काम। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर मिल के अंदर आ जाता हूँ। चलो मेहरबानी आपकी। मैंने ये लव्स सुने तो सही कि मैं भी अंदर चलता हूँ, वरना कल से तो यही था कि बाहर ड्रॉप कर वो चले। दिमाग में ये चीज होती है ना, वो कंफ्यूजन, सारी चीजें चल रही होती हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि यार कोई नहीं, जहाँ इतना टाइम निकाला तो थोड़ा टाइम और चाहिए, मैं मिल के मम्मी पापा से मिल के और आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए भी। और त्योहारों पे तो होता ही है, हेलो हाय नमस्ते करके, चरण स्पर्श करके आ जाएंगे और मैं निकलूँगा फिर अपने काम के लिए।
और मैं बता दूँ आप लोगों को कैसी लग रही है ये बताना, ये सूट मैंने गिफ्ट किया है रक्षाबंधन से पहले, इसको पहनने के लिए रक्षाबंधन पे नया नया। थैंक यू बोल दिया वैसे इसने, अच्छा लग रहा है पर्पल पर्पल। और मैं लाइट ब्लू हो रहा हूँ, मैंने भी बताया, मैं तो खैर बता दिया था सुबह की मेरी नई शर्ट है, पसंद सबको आई, मतलब रितु रेनू को भी पसंद आई, अच्छी लगी मुझे भी अच्छी लगी पहनने। पहुँचते हैं और मतलब घर पे बुआ वगैरह भी आई थी, तो वो सारा मतलब काम वाम ख़त्म करके निकले हैं और फास्ट भी है आज, तो देखते हैं ये फास्ट अपना उधर खोलेगी। सिस्टी लाइट ये लो रही थी। तो गाइज अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और आकर मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके, क्योंकि गंदे में कल ही मैंने पूरी मतलब रात में पूरे सुबह तक काम किया था, फिर सीधा घर चला गया था, घर पे गई पूजा करके फिर मैं यहाँ पर आके थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं रेडी वेडी होकर चला गया था। तो आकर मैंने अभी थोड़ी साफ़ सफाई की क्योंकि मुझे अभी काम करना है और गंदे में बिल्कुल काम नहीं होता, इधर उधर सामान पड़ा है, टिश्यू विश्यू पड़े हुए हैं क्योंकि टिश्यू विश्यू का यूज़ हुआ था काफ़ी। और ये हो गई मेरी चाय, गुड़ वाली चाय मेरी रेडी हो चुकी है। हालांकि मैं चाय ससुराल में पी कर आया था, पर मुझे थोड़ी सी एकदम कड़क वाली वो उसे पीनी थी, क्योंकि मुझे अभी करना है काम और मेरे सर दर्द हो रहा है नींद की वजह से। हालांकि मैं ये चीज़ों के लिए रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि पर मुझे पता है मेरे बैकअप में सपोर्ट है मेरे महादेव का, मुझे संभाल लेंगे। मेरा मतलब एक अंधविश्वास नहीं है पूरी मेरी, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ मैंने आजमाई है ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ें मुझे पता है कैसे वर्क करती हैं। और ये देखो इधर ये शेरू ये आ गया है और ये डरता है इस रैकेट से, देखो भाग गया भाग गया। आजा आजा आजा, डर लगता है इस रैकेट से हैं, डर लगता है इससे, डर लगता है क्या? नहीं डर आ रहा, आजा। एक्चुअली गाइस इसको डर इसलिए लगता है कि यहाँ पे पट पट जैसे मच्छर वच्छर होते हैं ना, ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह परेशान करती है, काम करते वक्त बिन 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 कान पे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, तो मैंने उसके लिए रैकेट मंगाया था तो मक्खियों वगैरह के लिए। तो यहाँ पर हेमलता ने कई बार यूज़ किया ऊपर मच्छर वगैरह मारने के लिए, भगाने के लिए, क्योंकि बैठते हैं यहाँ पे कई बार खड़े होते हैं तो बहुत मच्छर होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी से जगह जगह भरा होता है तो इन दिनों मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से इसके सामने देखा मारते हुए पटपट की आवाज़ आ रही, चिंगारी निकल रही है, तो ये डर गया उस टाइम के बाद से, ये डरपोक भी बहुत है। लो जी हमारी चाय, चाय बन चुकी है हमारी कड़क वाली, एकदम कड़क दिख रही होगी आपको, गुड़ तेज अदरक तेज पत्ती, और मैं जो चाय लेता हूँ ना वो ऑनियन ताज टी लेता हूँ, ताज, अब मेरी चाय की पत्ती है उसमें भी आप देखोगे इंडिया, तो ताज टी मैं आज से नहीं बहुत सालों से ले रहा हूँ, बहुत सालों से, मतलब जब से स्टूडियो यहाँ पर मैंने अलग से वो चीज़ें करनी शुरू किया तो वो अलग से पहले से ही वो चीज़ कर रहा हूँ। हाँ भाई तेरा खाना देता हूँ तुझे, डर के मत भाग, मैं तेरा खाना भी देता हूँ थोड़ी देर में आके, ठीक है? और गाइस अभी मेरे को उस हिसाब से फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आज पहने हैं नए कपड़े, ये मैंने पैंट भी नहीं मंगाई थी, शर्ट भी नहीं मंगाई थी, अभी मुझे चेंज करना है क्योंकि कलर लग सकता है, रिस्क नहीं ले सकता भाई, नई शर्ट है एकदम से, तो चेंज करने पड़ेंगे। चाय पी के चेंज करता हूँ फिर लगता हूँ काम पे। और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पर जो भी आर्टवर्क रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊँगा जब ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर इन द सेंस कि मतलब ये काम वाम बन के वहाँ पहुँच जाएगा, उसके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह पहले से बना लूँगा, लेकिन ये जब वहाँ पहुँच जाएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये काम मतलब कि एक तरह से कहने का मतलब है ये काम पूरा हो जाएगा तभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और जो भी अपडेट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है, और अब आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होने वाली हैं वो आपको ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट, चलो हो भी सकता है ब्लॉग तो एंड में कर ही सकता हूँ। ओ शिट भाई ये क्या आ गया अंदर, ये तो परेशान करेगा, ओ शिट। तो चलो गाइस अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड कर देता हूँ, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं खींचते हैं, और फिर मैं जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे मैं आप लोगों को बताऊँगा जैसे भी होंगे, अगर मुझे लगेगा तो मैं एक दो क्लिप और बना लूँगा रात में, हालाँकि मुझे अभी पूरी रात काम करना है, एक पेंटिंग मेरे पास पूरी कोरी की कोरी है जो कि मुझे कल सुबह तक में बनानी है, तो सोच रहे हो आप कंडीशन, वरना इस टाइम पर फेस्टिवल के टाइम पर भी मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, रीज़न है उसके पीछे भी,
क्या है भाई, ये देखना पड़ेगा। और गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ, और गाइस काव्या दी ने भी है ना इस बार वो नहीं आ पाई गोवा से, क्योंकि उनका कुछ अपना काम वाम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो काम, और आ नहीं पाई। तो उन्होंने राखी भेजी थी जो कि कुरियर में अभी तक भी नहीं पहुंचा है कुछ रीज़न की वजह से, नहीं तो उन्होंने टाइम से पहले ही भेज दिया था, अभी तक आ जाना था। बेचारे वो सुबह से परेशान हो गई हैं, और कई बार पूछ लिया उन्होंने मुझसे भाई राखी पहुंची और नहीं पहुंची, वरना तो रितु से ही बंधवा लेता मैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी वो तो, खैर कोई बात नहीं। पर जब वो चीज़ें टाइम होती है तो वो एक उन्होंने इतने टाइम से पहले भेजी और वो टाइम पर नहीं पहुंची तो ऑब्वियस है कि थोड़ा रहता ही है ना कि दिमाग में पहुंची नहीं, अभी तक पहुंची नहीं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, एंजॉय करते तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, और खाने का मैं देखूंगा, खाना तो मैं लाया नहीं है, खाने का मैं क्या खाऊंगा, डिनर क्या करूंगा, हालांकि मैंने शाम को ही खाया है। ओ शिट, पंखे में लग के गाइस ये गिर गया नीचे, ये देखो ये था ये। और हेमलता पहुंच जाएगी कैब से घर पर ही सीधा, वो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर आजकल मैं ही रुक रहा हूँ रात भर, और मतलब वही है देर रात तक, रात भर क्या मैं वही तीन तीन चार चार तो मुझे बजी रहे हैं काम करने में। और आज एनी हाउ हालांकि मेरा पहले था कि मैं इसको टाइम से पहले निपटा दूंगा, रक्षाबंधन से पहले निपटा दूंगा, पर वो हो नहीं पाया। सोचा था कि सैटरडे तक मेरा हो जाएगा तो संडे मैं पूरा रेस्ट करूँगा अपने काम वाम, और उसके बाद ब्लॉग व्लॉग नॉर्मल, उसके बाद रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बट सेलिब्रेट तो कर लिया आज पूरा दिन, ऑलमोस्ट निकल ही गया, अब रात के 7:30-8 ही बज रहे हैं। ये खड़े होने की कोशिश तो कर रही है। मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में ना भाई की मोटिवेशन के लिए भर भर के कमेंट कर दो, कितना मेरे ब्लॉग्स को आप लोगों ने मिस किया, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने गलती, आई नो मैंने जानता हूँ मैंने गलती की है, गलती वो जानबूझ कर की गई गलती नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब सिचुएशन ऐसी समझ लो ऐसी चीज़ें हुई, पर प्रॉमिस 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 कोशिश मेरी यही रहेगी आगे से कि चीज़ें मैनेज हो पाएँ, क्योंकि अभी लैपटॉप भी मेरा ख़राब हो चुका है, तो लैपटॉप के लिए भी अब मुझे नया लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। मैंने ठीक कराया था भाई, 13-14 साल इस लैपटॉप ने निकाल लिए डेल का, ये लैपटॉप थोड़े नहीं होते 13-14 साल गाइस, बहुत होते हैं, तो वो निकाल दिया। अब इसका दम टूट चुका है, अब ये एडिटिंग करने के लेवल में नहीं है कि सॉफ्टवेयर इसमें हैंग ही कर रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है, वाइट स्क्रीन हो चुकी है, पूरी ब्लैंक हो चुका है, तो इसीलिए